हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है, मतलब इतना भी सुबह नहीं, 8 बजे होंगे मे बी। तो यहाँ पे सारा काम हो चुका है, पूजा पाठ सब हो गया है, झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह। और बस आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, कपड़े मैंने बस मैंने सोचा बाद में धोती हूँ, तो नहा ली हूँ, आज सर वगैरह वॉश किया है, तो बस इसी वजह से मैंने कहा नहीं पहले नहा लो। और वो जब नहाने के बाद है ना, बहुत भूख, एकदम से भूख लगी मुझे बहुत तेज से, मतलब वेट ही नहीं किया गया। सब्जी मम्मी ने बनाई दी थी, आटा भी लगा दिया था और साथ मैंने कर लिया था नाम तो। पर अभी तो कोई खाना ही खा नहीं रहा है, कोई भी नाश्ता नहीं कर रहा है, सबने बस चाय वानी पी है। पर मुझे मन कर रहा था कि चाय के साथ मैं पराठा खाऊं, तो इसी वजह से मैं अपने लिए बना रही हूँ प्लेन पराठे, जो नमक वाले होते हैं ना, वो ही बना रही हूँ। और आप लोग कहेंगे कि आज तो तुमने सर पे बल्ला नहीं रख रखा, क्योंकि पापा जी कर रहे हैं पाठ और है नहीं, तो बस वो बाहर बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि इस टाइम पे नहीं आएंगे। और जब बाल धोए थे ना, गीले बाल पे वैसे ही मतलब कपड़ा मेरे को जच नहीं रहा था, क्योंकि पानी निकल रहा था, ऊपर से चिपचिप सी महसूस हो रही थी। अब मैं आ गई हूँ इस कमरे में, क्योंकि तब उस कमरे में पाठ कर रहे हैं ना, तो बस आज सबसे पहले भोग मैंने ही लगाया है, क्योंकि नाश्ता मैं ही कर रही हूँ। तो किसी ने भी नहीं खाया, मम्मी से पूछा, मम्मी कह रही नहीं मुझे अभी नहीं खाना है, ये बेटी सो रही है यहाँ पे, मतलब लेटी हुई है, बस उठ ही नहीं रही है वो अभी, बस बच्चे रह गए हैं नहाने के लिए और सारा काम हो गया है। तो आप भी खा लीजिए, मैंने लिए है चाय और सीताफल की सब्जी बनाई थी मम्मी ने, और पराठे मैंने प्लेन वाले बनाए हैं। तो चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि मुझे जाना था किसी के पास। तो आप लोग सभी जानते हैं, महीने की जब शुरुआत होती है, किसी का लेना होता है, किसी का देना होता है, तो वो सब करने गई थी। तो उधर लग गया मुझे टाइम, और अब ये हो रहा है मे बी 12 या 12:30 बजे का टाइम हो रहा है, या 1 बज गया होगा। तो बस वहाँ से आई हूँ, तो थोड़ा बहुत और काम किया, क्योंकि बर्तन क्लीन नहीं किए थे आने के बाद, बर्तन क्लीन किए और कपड़े धोए मैंने हाथ से ही। मैंने कहा चलो धो देती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े गीले थे, कुछ कपड़े सूखे थे, किचन के भी हो गए थे 2-3। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा चलो धो देते, तो कपड़े वगैरह धो के और मैं खाना खा के फिर बेटी जिद करने लगी थी कि मम्मी मुझे चाउमीन बना दो चाउमीन। पर चाउमीन के लिए ना एक्चुअली मेरे पास वाइट विनेगर ख़त्म हो गया था, और फिर मैंने कहा नहीं उसमें बहुत टाइम लगेगा। फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी, उसे थोड़ा सा बाहर की चीज़ ही अच्छी लगती है, जैसे फास्ट फूड टाइप अच्छा लगता है उसे, रोटी सब्जी से ज़्यादा। तो फिर वो उसने आज सुबह से ही खाना नहीं खाया था, इस चक्कर में कि नहीं मेरे को तो नहीं खाना। फिर मैंने कहा चलो बना देते हैं, तो यहाँ पे वो सिंपल तरीके से बनाया, मैंने हमेशा ही आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, तो इतना कोई खास तरीका नहीं है। वही प्याज छो डाल के फिर टमाटर डाल दिए थे, उसी के अंदर मैंने काली मिर्च और गरम मसाला ऐड किया था, और बस मैक्रोनी डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर दूँगी जैसे ही मैक्रोनी डालने के बाद। और उसके ऊपर मैंने सॉस डाल दी थी इसी के अंदर ना, तो जिससे थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ मैं अभी गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, तो बस अच्छे से मिलाएंगे और मैक्रोनी रेडी हो जाएगी। और वो जो आता है ना पाउच आता है मसाले का, मैगी मसाला, वो भी डाला था मैंने इसके अंदर। तो बस हमारी मैक्रोनी तैयार है, इन सबको भी दे दूंगी, क्योंकि देखिए तो अभी वेट ही कर रही है, बस कब बनेगा कब बनेगा। इनको मतलब घर का खाना पसंद नहीं है, इन्हें बाहर का ही खाना पसंद है। और बस मुझे कुछ बातें आप लोगों से क्लियर भी करनी थी, तो मैं अभी आपको मिलूँगी, फुर्सत में मिलूँगी, बट बहुत टाइम हो जाता है मेरे को, मतलब कभी कुछ लगा रहता है, आप लोग समझेंगे। हर चीज़ में अब अपने अकॉर्डिंग से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कुछ हो गलत फहमियाँ हुई थी जो मुझे क्लियर करनी है। वो कहते हैं ना, अगर हम कोई शब्द बोलते हैं तो उसके भी कई मीनिंग्स होते हैं, तो वो चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कोई कम्युनिटी डाली थी उसके चक्कर में पंगा हुआ है। सो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई शर्म नहीं आती है ऐसा अपने आप में गलती मानना, क्योंकि अगर हुई है तो हम आगे से आके, मैं हमेशा से ही आगे आती हूँ और क्लियर करती हूँ कि ये चीज़ मेरे से हुई है, और जो चीज़ नहीं होती तो मैं उसके सामने झुकती भी नहीं हूँ। सो बस मुझे नमक कम लगा तो मैंने नमक डाल दिया है,
तो चलिए मैं इन सब बच्चों को दे देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। वो कहते हैं ना, अगर को मतलब कोई भी गलती होती है या कोई भी गलत फहमी होती है तो उसे तुरंत ही क्लियर कर देना चाहिए, कि छोटा सा गड्ढा कब खाई बन जाता है तो पता नहीं चलता। सो ये इसीलिए चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ और बात करती हूँ। पहले मैंने इन सबको दे दिया है, पापा जी को भी दिया है। अब पापा जी खाने लग गए हैं, क्योंकि पहले मना करते थे नहीं खाना, तो आज मैंने बोला उनको। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड कैसे चेंज है, तो मैं खड़ी हूँ किचन में, रात का टाइम है और यहाँ थोड़ी सी रोशनी बेटर है इस वजह से, क्योंकि किचन में कर रही हूँ काम, खाना बना रही हूँ रात का। तो ये देखिए दाल बन रही है, मैंने काट के भी रख दिया है छोकने के लिए, चावल बन चुके हैं और उड़द चने की दाल बना रही हूँ। अच्छा चल के बैठो बेटा, हाँ मैंने अभी करती हूँ, ठीक है। और उड़द चने की दाल बन रही है, चावल बन चुके हैं, रोटी बनाई। तो अभी पापा मम्मी बाहर बैठे हैं, मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो मम्मी बाहर बैठी है, ये भी आ चुके हैं, नहाना धोना सब कुछ हो गया है। तो अभी जो टाइम है वो 8 बज चुके हैं और मुझे आपसे करनी थी थोड़ी सी बात, जो कि टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी। आज स्टिचिंग वगैरह करी थी तो इस वजह से भी टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा बिजी था, आप समझ सकते हैं ना। पहले वाला टाइम नहीं था कि कोई भी काम छोड़ के मैं अपना काम पहले देखती थी कि चलो वीडियो करना है तो ये काम को मैं थोड़ा बाद में कर लूँगी, बट अभी ऐसा नहीं हो पाता, आप लोग समझेंगे आई होप। इसी वजह से मैं कमेंट के भी रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि हर टाइम मैं फ़ोन में लगी रहूँ वो भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। इसी वजह से ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। करते हैं दूसरी बात। एक्चुअली मैंने जो कम्युनिटी डाली थी तो कम्युनिटी में एक्चुअली मैंने लिखना भूल गई थी कि आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, मैंने वहाँ पे लिखा कि मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण लोग बागों ने शायद गलत समझा कि मैं अब वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। सो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि दी क्या हुआ, क्यों अब आप वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, क्या नहीं, उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाई। बट एक मेरे सब्सक्राइबर ने ही मुझे क्लियर किया कि आपने तो पहले ऐसा कहा था और अब ऐसा कह, अब आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे आप लोगों से क्लियर कर लेना चाहिए। हाँ तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया कि आपने तो कम्युनिटी इस तरीके से डाली थी पर अब ऐसा क्यों, तो मुझे लगा कि यार कोई तो गलतफहमी है। फिर मैंने अपनी वो कम्युनिटी चेक की और कम्युनिटी में लिखा था, वो आज उसमें से मिस था कि मैंने ये लिखा था कि आज मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। सो आज लिखना भूल गई थी और लोगों ने सोचा कि मतलब मैं वीडियो डालना बंद कर रही हूँ। बहुत कमेंट आया उस टाइम पे, मुझे ऐसा रियलाइज़ नहीं हुआ, बस मुझे ऐसा लगा यार लोग कितना मतलब पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, ऐसा क्या हो गया पूजा, क्या बात है, क्या बात है, इस तरीके के कमेंट मेरे पास आए। तो आप चेक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ या कुछ आप लोगों को, क्योंकि बहुतों को लगता है कि मैं अपनी तरफ से ये चीज़ें बना कर बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। जो चीज़ होती है वही मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। बहुत से लोग हैं जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो मुझे पसंद भी करते हैं और जो बोलते हैं कि आप रियल हो, रियल में आप जो बोलते हो वही काम करते हो। सो मैं रियल में ही ऐसी ही हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई गलती होती है तो मैं आगे से आके एक्सप्लेन करती हूँ, क्लियर करती हूँ, ऐसा नहीं है बेफालतू में मैं क्रिएट नहीं करती मामला। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मेरे ब्लॉग्स आएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ब्लॉग्स नहीं आएंगे। ऐसे नहीं करते इनको, क्या कर रहे हैं तो बस गलतफहमियों के कारण ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, इसीलिए मैंने क्लियर करना मतलब ज़रूरी समझा,
तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ, एंड आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर कोई भी सजेशन हो तो मुझे ज़रूर देना, और आपको जैसे भी सजेशन होंगे मैं ज़रूर करूँगी जो मेरे करने लायक होंगे, ठीक है ना? तो चलो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड नाइट। तो आप लोग भी अपना खाना इंजॉय कीजिए, हम भी अपना खाना बना रहे हैं, फिर मिलते हैं, बाय बाय।